जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा। बस यही है एक इरादा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 तरुण रिनायत के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। प्रभारी मंत्री हरदीप सिंह डंग करेंगे ध्वजारोहण, पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में आयोजित होगा मुख्य समारोह। बालाघाट सिवनी राजमार्ग पर टोल टैक्स वसूली का विरोध, 16 अगस्त को कांग्रेस ने किया बंद का आह्वान। बालाघाट गोंदिया रोड पर बेलगाम कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार युवक की हुई मौत। लालबर्रा के भांडा मुरली में तेंदुए के हमले से एक व्यक्ति की हुई मौत, मवेशी चराने के दौरान हुआ हादसा। शहर के पीजी कॉलेज को बनाया गया मध्य प्रदेश भोजमुक्त विश्वविद्यालय का अध्ययन केंद्र। नवेगांव पुलिस ने की कार्रवाई, 4 अंतर्राज्यीय चोरों को बकरियों के सहित किया गिरफ्तार। कोविड-19 के चलते रेलवे विभाग के निर्देशों के तहत अब सुबह 8 बजे से दोपहर 4 बजे तक रिजर्वेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। आपको बताएं कि इसके पूर्व ट्रेन के रिजर्वेशन को लेकर 11 बजे से शाम 5 बजे तक का समय निर्धारित किया गया था, जिस पर बदलाव कर दिया गया है। रेलवे स्टेशन प्रबंधक HL कुशवाहा की माने तो कोविड-19 के चलते रेलवे स्टेशन में भीड़भाड़ की स्थिति पैदा ना हो, इसलिए रिजर्वेशन का समय में बदलाव किया गया है, जिससे भीड़भाड़ कम हो रही है और लोगों को सुविधा भी आसानी से मिल रही है। नवेगांव पुलिस ने अंतर्राज्यीय बकरी चोर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने एक मारुति वैन और चोरी की 5 बकरियां जब्त की है। पुलिस की गिरफ्त में आए सभी आरोपी छत्तीसगढ़ राज्य के भिलाई और दुर्ग के बताए गए हैं, जिन पर धारा 379-34 सहित अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार आरोपी बकरी चुराने के लिए अक्सर छत्तीसगढ़ से बालाघाट आया करते थे, जो शनिवार को लामता की 4 और समनापुर से 1 बकरी चुराकर भाग रहे थे, जिन्हें आमगांव के ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग ग्राम खुर्सीपाड़ बाबूनगर वार्ड नंबर 29 निवासी सोनू सरदार, भिलाई निवासी 52 वर्षीय राजू राव, भिलाई निवासी 62 वर्षीय पीओ जेवियर पिता TS जोसेफ और भिलाई निवासी 62 वर्षीय जावेद हुसैन शामिल हैं। समनापुर से ग्रामीणों ने थाने पर सूचना दी थी कि एक वैन में बकरी समनापुर से बकरी चोरी करके ये भाग रहे हैं आमगांव वाला घाट तरफ। इसमें गांव वालों की मदद से पुलिस ने 4 आरोपी जो कुर्सी पार्क जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, उनसे 5 बकरियां टोटल बरामद की गई है। जो 4 बकरियां हैं वो एक लामता से चोरी की गई है और एक समनापुर से, टोटल 5 बकरी बरामद। सर, ये आदतन अपराधी हैं या कैसा, क्या किए ये लोग, यहाँ क्यों आए थे, ऐसा कुछ जानकारी? अभी तात्कालिक पूछताछ में तो उन्होंने यही बताया कि बकरी चोरी करने के उद्देश्य से ही आए थे। सर, इसके पहले जो हमारे थाना क्षेत्र में जो बकरियां चोरी हुई हैं, तो क्या उनसे इनका कोई संबंध है या सिर्फ बकरियां चोराने पहली बार? बिल्कुल संबंध हो सकता है, इस संबंध में बारीकी से पूछताछ की जाए। ठीक, आपका। 13 अगस्त को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 3 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस प्रकार जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 0 से बढ़कर 3 हो गई है। कोरोना पॉजिटिव इन 3 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। सभी लोगों को कोरोना संक्रमण से बचने के लिए कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा और घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाना होगा और 2 गज की दूरी के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। जिले में कोरोना संक्रमण को फैलने से बचाने के लिए सावधानी और सतर्कता बहुत जरूरी है। शहर के स्वयंश्री पैरामेडिकल कॉलेज में अध्ययनरत 1 दर्जन से अधिक छात्रों ने 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी फर्स्ट ईयर क्लास की परीक्षा नहीं होने की परेशानी बताई। पद्मेश 24/7 से चर्चा के दौरान छात्रों ने बताया कि उनके द्वारा वर्ष 2019 में एडमिशन लिया गया था, तब से लेकर अब तक 2 वर्ष हो गए।
विश्वविद्यालय द्वारा जून महीने में भी एक बार टाइम टेबल जारी किया गया, लेकिन परीक्षा नहीं ली गई, जिससे वे 2 वर्ष से एक ही क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं। इस विषय में छात्रों द्वारा सीएम हेल्पलाइन तक में शिकायत की गई, लेकिन कोई निराकरण नहीं किया गया। सत्र 2019 में नवंबर में कॉलेज में प्रवेश लिया था और अभी तक 2 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं तथा यूनिवर्सिटी परीक्षा डेट फिक्स करती है मगर पेपर नहीं कराती और अभी फर्स्ट टाइम टेबल जून में दिए थे मगर उसको पोस्टपोन करके सितंबर में 1 तारीख से रखा गया था, लेकिन अभी तक हमारी परीक्षा फीस जमा नहीं हुई है, परीक्षा फॉर्म जमा नहीं करवाए हैं और हमें इधर उधर से पता चलता है कि डेट और आगे बढ़ेगी, तो इस प्रकार हमारी परीक्षा यानी कि हमारे भविष्य से यूनिवर्सिटी खिलवाड़ कर दी है, अतः इस पर जांच होना चाहिए। तो हमारी एग्जाम ले 2 साल हो गई, हम DMLT कोर्स है, लैब टेक्नीशियन का कोर्स है, 2 साल कंप्लीट हो गया मगर उसकी एग्जाम नहीं हो पा रही हमारी। अच्छा, ये कब से नहीं हुई है इसकी एग्जाम? ये साल हमारी एडमिशन है 2019 से है, अभी तक कोई एग्जाम ही नहीं हुई हमारी, 2 साल फिर कम्प्लीट हो गया, यूनिवर्सिटी प्रॉब्लम है बोले तो। अच्छा, तो यूनिवर्सिटी में कभी बात की? हाँ, यूनिवर्सिटी वही सीएम हेल्पलाइन नंबर से कॉल की, हमने बात की मगर उससे कुछ नहीं हो रहा है। तो क्या चाहते हैं आप? यूनिवर्सिटी बस हमारी एग्जाम जल्दी कंडक्ट करा सके। जिले की अग्रणी शिक्षण संस्थान शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में मध्य प्रदेश भोजमुक्त विश्वविद्यालय भोपाल के अध्ययन केंद्र की स्थापना की गई है। शनिवार को विधायक गौरीशंकर बिसेन के द्वारा फीता काटकर भोजमुक्त विश्वविद्यालय की शुरुआत की गई। यह अध्ययन केंद्र खुल जाने से जो छात्र नियमित विद्यार्थी के रूप में उच्च शिक्षा की पढ़ाई पूर्ण नहीं कर पाते हैं, वह इस भोजमुक्त विश्वविद्यालय के माध्यम से उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि कई ऐसे छात्र होते हैं जो नियमित रूप से अपरिहार्य कारणों से पढ़ाई नहीं कर पाते, वे छात्र अपने चयनित विषयों को लेकर अध्ययन कर पाएंगे। हमारे सरकार ने, हमारे सुशील प्रधानमंत्री जी ने, हमारे अपनी भारत सरकार ने और उसी के नक्शे कदम चल के हमारी राज्य सरकार ने आधुनिक शिक्षा नीति को न केवल स्वीकार किया, उसको धरातल पर उतारने का काम भी प्रारंभ और इसलिए मैं कह सकता हूँ कि जो छात्र कॉलेजों में दाखिला लेते हैं तो 2 तरह के हमारे महाविद्यालय हुए हैं, जो किसी न किसी विश्वविद्यालय से संलग्न है, तो हमें पाएंगे कि शासकीय बड़ी तादाद में हमारा स्टूडेंट दाखिला लेता है, जहाँ हमारे निजी क्षेत्र के अच्छे महाविद्यालय हैं वहाँ पे भी एडमिशन लेते हैं और अब तो निजी क्षेत्र में भी हमारी यूनिवर्सिटियाँ भी आ गई, लेकिन कुछ ऐसे भी हमारे परिवार में हमारे स्टूडेंट हैं, अनेक कारण होते हैं, पारिवारिक समस्या हो सकती है, महाविद्यालय जाने आने की हमारी संसाधन हो सकते हैं दूरी हो सकती है। भोज अध्ययन केंद्र के समन्वयक MS मरकाम ने बताया कि अध्ययन केंद्र के माध्यम से उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले सभी छात्र छात्राओं को पूरी सुविधा मिलेगी, रेगुलर की तरह प्रैक्टिकल कराया जाएगा और संपर्क कक्षाएं भी संपादित की जाएगी। इसमें छात्र छात्राओं को जो सुविधाएं मिलेंगी कि अध्ययन सामग्री मिलेगी, परीक्षा केंद्र है वो यही रहेगा और प्रैक्टिकल के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको रेगुलर के जैसे प्रैक्टिकल भी कराया जाएगा और उनकी संपर्क कक्षाएं भी संपादित की जाएंगी। सब्जेक्ट यहाँ पे जो शासन से जो सब्जेक्ट जैसे चल रहे हैं जो BSc में, BA में और BCom में, साथ ही MA में और MSc और MCom में, जैसे जो कोर्स यहाँ पे चल रहे हैं शासन के, जैसे साइंस में अपन लोग देखें जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री है, फिजिक्स, मैथ्स, जियोलॉजी, BA में हम देखते हैं तो हिंदी लिटरेचर है, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, दर्शन शास्त्र, सोशियोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश लिटरेचर और MA में इन्हीं सब्जेक्ट्स में MA भी किए जाएंगे और MSc में जैसे जूलॉजी है, बॉटनी है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, ये में अध्यापन की सुविधा रहेगी भोजमुक्त विश्वविद्यालय के माध्यम से।
जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण अंचलों में रविवार को जश्न ए आज़ादी महापर्व स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा, जहां प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी जिले भर में स्वतंत्रता दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ की शुरुआत नगर में एक दिन पूर्व से हो चुकी है, जहां 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर अमृतोत्सव के तहत नगर में साइकिल रैली का आयोजन किया गया। जन अभियान परिषद और जिला प्रशासन के नेतृत्व में आयोजित इस साइकिल रैली में पूर्व विधायक गौरीशंकर बिसेन ने उपस्थित जनों को स्वच्छता, महिला रक्षा, कोरोना की गाइडलाइन सहित देशभक्ति की शपथ दिलाई। वहीं हरी झंडी दिखाकर इस साइकिल रैली को रवाना किया। स्वतंत्रता सेनानियों की याद में निकाली गई यह साइकिल रैली मुन्ना स्टेडियम कराटे हॉल से अम्बेडकर चौक, वहां से गोंदिया रोड स्थित हनुमान चौक पहुंची। वहां से यह रैली पुनः जयकारों के साथ वापस कराटे हॉल पहुंची, जहां साइकिल रैली का समापन किया गया। जन अभियान परिषद के नेतृत्व में हमारा जो आजादी की हमारी 74वीं वर्षगांठ पूरी हुई है और अमृत महोत्सव में हमने प्रवेश पाया है, बड़े उत्साह के वातावरण में और पूरे हर्ष उल्लास साथ पूरे प्रदेश में, पूरे देश में इस अमृत महोत्सव के कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज हमारे जन अभियान परिषद के साथियों ने हमारे छात्र बंधुओं को और युवाओं को जोड़ करके एक ऐतिहासिक साइकिल रैली का शुभारंभ किया है, जो शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए गुजरते यहाँ पर पुनः आकर के उसका समारोह होगा। इस अवसर पर मैं जिले वासियों को और विशेष तौर से नगर वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये भारत अमृत महोत्सव के अंतर्गत साइकिल रैली का आयोजन किया गया है और ये जन अभियान परिषद के माध्यम से माननीय कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में ये आयोजन किया गया है। इसमें नगर पालिका के समस्त स्टाफ को साइकिल के साथ बुलाया गया है और इस रैली में भाग लेंगे और साथ ही साथ जैसा कि कल स्वतंत्रता दिवस है, जो कि हमारे देश का सबसे बड़ा उत्सव है, जो गणतंत्र दिवस है एक स्वतंत्रता दिवस है, तो कल अपना स्वतंत्रता दिवस है तो सबसे बड़े उत्सव को अच्छी तरह से सेलिब्रेट करके मनाया जा रहा है। इसमें हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी जो शहीद हुए हैं उनकी उनकी यादों को मतलब याद किया जा रहा है, इसी उपलक्ष्य में मतलब इस साइकिल यात्रा का आयोजन किया गया है। ये साइकिल आयोजन यहाँ से कराटे जो अपना ग्राउंड है जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ से हम अंबेडकर चौक, अंबेडकर चौक से हनुमान चौक, हनुमान चौक से लौट के इसी बे में यहीं पर समापन करेंगे। बालाघाट सिवनी राजमार्ग पर टोल टैक्स लेने के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा 16 अगस्त को बालाघाट बंद का आह्वान किया गया, जिसे 10 व्यापारी संगठनों द्वारा समर्थन दिया गया है। शनिवार को स्थानीय सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष शेषराम रांगडाले ने बताया कि बालाघाट सिवनी राजमार्ग पर सड़क बनी ही नहीं और टोल नाके के माध्यम से वाहन चालकों से टोल टैक्स लिया जा रहा है, जो कि पूरी तरह अवैध है। आज पत्रकार वार्ता रखने का उद्देश्य आप देख ही रहे हैं, हम टोल नाके के लिए निरंतर पहले कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया गया, उसके बाद फिर 11 तारीख को जका जाम आंदोलन किया गया, जका जाम आंदोलन के बाद एक दिन के लिए टोल टैक्स बंद कर दिया गया, फिर दोबारा टोल टैक्स चालू कर दिया गया। तो हम लोग समस्त जितने भी बालाघाट के हैं, ट्रक एसोसिएशन है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सब्जी विक्रेता, पान यूनियन, नाई समाज, राइस मिल एसोसिएशन, बस एसोसिएशन, कपड़ा व्यापारी, सराफा एसोसिएशन, बैनगंगा मजदूर एसोसिएशन, चालक वाहन संघ एवं समस्त जो आज जनता की मांग है और जो जनता का समर्थन है, इस उद्देश्य से हम सोमवार को बालाघाट बंद एक दिन का आह्वान किए। तो यह हमारा टोल टैक्स तो मुद्दा है ही, लेकिन हमारा दूसरा मुद्दा ये है कि जैसे ही आपने देखे हो कि नगर पालिका चुनाव होने वाले हैं या होने की उनको लगा बीजेपी सरकार वाली घोषणा होने वाली है, तो इन लोगों ने जो बड़े बड़े बैनर लगाए थे और जो ओवरब्रिज की सौगात करके, तो हम इनसे पूछना चाहते हैं कि अपने बैनर लगाए, पटाखा फोड़े और जो उसका श्रेणी की ओवरब्रिज बन रहा है, तो ओवरब्रिज आप कल बना रहे हो उसके हमको डेट दो, क्योंकि टोल टैक्स के साथ बालाघाट की जनता की परेशानी को देखकर ओवरब्रिज के लिए इसी प्रकार आंदोलन किया जाएगा। क्योंकि अभी मालवाहक ट्रेन सिर्फ अपने यहाँ चलती है, मालगाड़ियाँ, मालगाड़ी चलने से हर एक घंटे में 2 से 3 बार बैरियर बंद कर दिया जाता है, और जब बैरियर बंद होता है तो हनुमान चौक से कई बार अम्बेडकर चौक तक जाम लगता है, और जब से जाम ना निकले तो दूसरी ट्रेन के लिए फिर बंद हो जाता है।
तो हमारे टोल टैक्स के साथ ये भी मुद्दा है, टोल टैक्स से काम बंद करा के रहेंगे, लेकिन इसके बाद ओवर ब्रिज के लिए भी आज से एक आंदोलन की शुरू। जिला कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जुगल शर्मा ने बताया कि हम सभी कांग्रेस के साथियों ने जनता का यह आंदोलन जनता के हितों की लड़ाई के लिए जन आंदोलन के रूप में बालाघाट को बंद कराने का कार्यक्रम 16 अगस्त को रखा है। गर्रा टोल नाके को हमेशा के लिए बंद किए जाने की मांग को लेकर किए जा रहे बालाघाट बंद को करीब एक दर्जन व्यापारी संगठनों एवं सामाजिक संगठनों का समर्थन मिला है, जिनमें ट्रक एसोसिएशन, बालाघाट चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सतपुड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सब्जी एवं फल विक्रेता संघ, राइस मिल एसोसिएशन, बस एसोसिएशन, व्यापारी एसोसिएशन, कपड़ा व्यापारी एसोसिएशन, सराफा एसोसिएशन एवं चालक मालक संघ शामिल हैं। एक ओर जहां 16 अगस्त को जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा बंद का आह्वान किया गया है, जिन्हें 10 व्यापारिक संगठनों द्वारा समर्थन दिया गया है। साथियों, आज चौथा एक दिन के लिए उन्होंने इस टोल नाके को बंद किया और उसके पश्चात में फिर अवैध रूप से टोल नाके के माध्यम से वसूली प्रारंभ कर दी गई है। इसी को लेकर हम सभी लोगों ने, हम अपने कांग्रेस के साथियों ने जनता का यह आंदोलन जनता के हितों की लड़ाई के लिए जन आंदोलन के रूप में हम लोग बालाघाट को बंद कराने का कार्यक्रम 16 तारीख को रखा गया है। जिस संदर्भ में बालाघाट के समस्त व्यापारियों से हम लोगों ने लगातार कल दिन भर हमने बैठ के, मैं अपने शेषराम भाई, अपने कांग्रेस के साथियों के माध्यम से हमने मोबाइल के माध्यम से फोन से चर्चा करी, चाहे चैम्बर ऑफ कॉमर्स में माननीय अभय सेठिया जी से बात हो, चाहे सतपुड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स में राजेंद्र अग्रवाल जी से बात हो, चाहे पान एसोसिएशन में निर्मल कल्लू सोनी से बात हो, चाहे कपड़ा व्यापारी में अनिल शर्मा की बात हो, चाहे ट्रक एसोसिएशन के सारे समस्त लोगों के मेल के लिए अविनाश ठाकुर जी के माध्यम से की हो, चाहे बस एसोसिएशन के लिए हमने श्याम कौशल जी से बात किया, इसी प्रकार में हमने नाई समाज में अशोक राव जी से बात किया, इसी प्रकार में हमने समस्त हमारे दिलीप भाई काटरा जी से बात किया, हमने भाई कुमार वाधवानी जी से किया जो व्यापारी प्रकोष्ठ के, मतलब सारे लोगों ने एक ही कहा कि ये लड़ाई जो कांग्रेस लड़ रही है, ये कांग्रेस की लड़ाई के साथ साथ ये जनता की लड़ाई है, ये हमारी लड़ाई है, आप लोग जो हमारी लड़ाई को लड़ रहे हैं, हमारा दिल से खुलकर आप लोगों के साथ समर्थन है, सपोर्ट है। तो कल 16 तारीख को हम ये सारे संगठन के लोगों के साथ में मिलकर बालाघाट को बंद कराने का कार्य कर रहे हैं, और ये बालाघाट बंद कराना कोई एक दिवसीय कार्यक्रम नहीं है, हमारा दृढ़ संकल्प है जनता की इस लड़ाई के लिए। कल हम बालाघाट बंद कराएंगे, बालाघाट बंद कराने के माध्यम से फिर पुनः एक बार कलेक्टर को, इस मध्य प्रदेश की सरकार को जगाएंगे। लेकिन वहीं दूसरी ओर 14 अगस्त की शाम को सर्किट हाउस में प्रभारी मंत्री हरदीप सिंह डंग को भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर के नेतृत्व में करीब एक दर्जन से अधिक भाजपा कार्यकर्ता पदाधिकारियों द्वारा ज्ञापन सौंपकर टैक्स वसूली को तत्काल बंद किए जाने की मांग की गई। आपको बता दें कि एक दिन पूर्व ही विधायक गौरीशंकर बिसेन द्वारा प्रदेश शासन के लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव को पत्र लिखकर तत्काल टोल टैक्स बंद किए जाने की मांग की गई थी। इसी कड़ी में सर्किट हाउस में विधायक गौरीशंकर बिसेन द्वारा प्रभारी मंत्री हरदीप सिंह डंग से चर्चा की गई और तत्काल टोल टैक्स बंद किए जाने की मांग की गई। कौमी एकता की मिसाल शहर के कुतुब हजरत अल्लाह सैयद अब्दुल हकीम उर्फ हुक्कू साहब बाबा चिश्ती रहमतुल्ला अल्लाह का सालाना उर्स हर साल की तरह इस साल भी अकीदतों के साथ मनाया जाएगा। नगर के मेन रोड स्थित हजरत हक्कू साहब बाबा दरगाह में आयोजित इस 217वें सालाना उर्स मुबारक पर रोजाना ही विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए जाएंगे, जिसकी शुरुआत 15 अगस्त को गुलस ए मजारे पाक और परचम कुसई के साथ होगी, जहां मिलित शरीफ, शाही संदल, समा महफिल, लंगर ए आम महफिल रंग और कुल शरीफ की फातिया सहित रोजाना विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन कर 22 अगस्त को उर्स मुबारक का समापन किया जाएगा। और हर साल के मुताबिक इस साल भी हजरत कुशा बाबा के दरबार का उर्स 15 अगस्त को हजरत अक्कूशा बाबा के दरबार का गुसल होगा, जिसमें परचम कुशाई होंगी, यानी स्टार्टिंग होता है, जैसे आप लोगों में श्री गणेश होता है वैसे इस तरीके से बाबा का उर्स होता है। उसी तरीके से 19 तारीख को सुबह 8 बजे मिलाद शरीफ कुरान खानी का इंतज़ाम रखा गया है। जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण अंचलों में रविवार को जश्न ए आज़ादी महापर्व स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा, जहां प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी जिले भर में स्वतंत्रता दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ की शुरुआत नगर में एक दिन पूर्व से हो चुकी है।
15 अगस्त को सभी शासकीय कार्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थाओं में 7 से 8 बजे तक ध्वजारोहण किया जाएगा। पुलिस परेड ग्राउंड बालाघाट में आयोजित मुख्य समारोह में प्रातः 9 बजे प्रभारी मंत्री हरदीप सिंह डंग द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा। इसके उपरांत परेड की सलामी ली जाएगी और उनके द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संदेश का वाचन किया जाएगा। प्रातः 10:50 में पुलिस परेड ग्राउंड में कार्यक्रम का समापन होगा। वहीं दूसरी ओर स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सभी शासकीय भवनों पर बीते वर्ष की तरह आकर्षक रोशनी दिखाई गई। इस दौरान सभी भवन रात के अंधेरे में इस रोशनी की वजह से बेहद आकर्षक दिखाई दे रहे थे। वन क्षेत्र उकवा के अंतर्गत आने वाले ग्राम उमरिया में उस वक्त हड़कंप मच गया जब उमरिया निवासी रतन तेकाम के घर धावन प्रजाति का एक सांप दिखाई दिया। 8 फीट लंबा विषैला सांप दिखाई देने पर परिवार के लोग घबरा गए, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने तुरंत वन विभाग के अधिकारियों को दी, जहां मौके पर पहुंचे वन कर्मियों ने 8 फीट लंबे धावन प्रजाति के घोड़ा पछाड़ सांप का रेस्क्यू कर उसे जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया।